बिहार के सुपौल के पशुपालन अधिकारी बर्ड फ्लू मामले पर कहा, पक्षियों की अप्राकृतिक मृत्यु की खबर मिलते ही पशुपालन विभाग एक्शन में आया और जांच के बाद कई पक्षियों में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उनको मारकर दफनाने का काम किया जा रहा है। पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा, मिश्र ने भारत को आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी। हमारे किसानों ने सुनिश्चित किया कि हमारे अन्न भंडार अति प्रभावित हो और हम दुनिया की सेवा के लिए तैयार हो। अगले महीने से दिल्ली एम्स के 50% डॉक्टर छुट्टी पर रहेंगे। 16 मई से 15 जुलाई के बीच दो चरणों में संस्थान के सभी डॉक्टर अवकाश पर रहेंगे। एम्स प्रबंधन ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए आगामी 30 अप्रैल तक छुट्टी पर जाने वाले डॉक्टरों का ब्यौरा मांगा है। साथ ही कहा है कि 50% से कम उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। राजधानी के करीब 30% निवासियों को भीषण गर्मी के बीच अगले कई दिनों के दौरान पेयजल संकट से दो चार होना पड़ेगा। इन इलाकों में नई दिल्ली इलाका भी शामिल है। दरअसल यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है और दिल्ली जल बोर्ड के वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल शोधक संयंत्र में पानी साफ करने के कार्य पर असर पड़ गया है। इस तरह इन संयंत्रों से पानी की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो की सेवाएं रविवार सुबह 2 घंटे के लिए ब्लू लाइन पर बाधित रहेगी। यह जानकारी DMRC ने यात्रियों के लिए जारी की है। DMRC ने सूचना जारी कर बताया कि ब्लू लाइन पर मरम्मत कार्य के कारण 17 अप्रैल यानी रविवार को राजीव चौक से करोल बाग के बीच सुबह 7 बजे तक सेवाएं प्रभावित रहेंगी। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।